नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 8 अप्रैल 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं कि करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट कि टीईटी की जो संशोधित उत्तर माला है वो जारी कर दी गई है, जो कि हमने कल आपको दिखाई भी। प्राथमिक में 5 प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को जो है वो अंक मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें जिन विषयों के प्रश्नों पर मिलेंगे अंक उनकी बात यहाँ पर की गई है। सीधी भर्ती के 3 पदों का परिणाम जारी और यूपी टेट के संदर्भ में यहाँ पर सारी चीजें जो है वो लिखी गई हैं। यहाँ पर इस बात का जिक्र बिल्कुल नहीं किया गया है जो कि हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें अभी भी विवाद है और इस प्रकार की चीजें यहाँ पर शामिल नहीं की गई है। यहाँ पर हालांकि केवल यही बताया गया है कि प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक है उसमें अलग अलग कितने प्रश्नों पर जो है कॉमन नंबर मिलेंगे, तो उच्च प्राथमिक के 3 प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को अंक दिए गए हैं। सचिव के मुताबिक प्राथमिक जो है उसमें 5 प्रश्नों के उत्तर बदल भी गए हैं, जबकि उच्च प्राथमिक में 4 प्रश्नों के उत्तर जो है वो बदले हैं। शुक्रवार दोपहर बाद परिणाम जो है वो जारी किया गया था। लास्ट में अगर सबसे देखेंगे तो ये भी लिखा गया है शुक्रवार को जो है वो परिणाम जारी किया जाएगा और आज ही जो है आपका शुक्रवार है। तो अब देखने को मिलता है कि यहाँ पर परिणाम या फिर और इसमें लेट होगा। आगे अगला जो न्यूज है, 8 प्रश्न गलत, सभी के मिलेंगे अंक। टीईटी 2021 की बात की गई है और यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हैं जो हमने ऊपर जो है वो बात की। और ये भी लिखा है 9 प्रश्नों के विकल्प जो है वो बदले गए हैं, 9 प्रश्नों के उत्तर के विकल्प बदल दिए हैं। परीक्षा नियामक की ओर से जारी उत्तर कुंजी के बाद छात्रों ने आपत्ति दर्ज की थी। इसे संज्ञान में लेते हुए नियामक ने उच्च प्राथमिक के 4 और प्राथमिक के 5 प्रश्नों के विकल्प जो है वो बदल दिए हैं, उसको बताया गया। अगली न्यूज है यूपी बोर्ड से संबंधित कि दूसरे की जगह परीक्षा देते 3 जो है उनको पकड़ा, फर्जी पेपर इंस्टाग्राम पर डालने वाले गए जेल। और यहाँ पर यूपी बोर्ड परीक्षा की बात की गई है। अगली न्यूज है सामान्य का 650, SC का 550 रुपए जो है वो शुल्क। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। पहली बार CUET के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में जो है उसमें प्रवेश देखने को मिलेगा, उसी की बात यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर परीक्षा शुल्क को भी तय कर दिया गया है और वो यहाँ पर 600 रुपए OBC और EWS अभ्यर्थियों के लिए शुल्क तय किया गया है और SC ST और जो PWD और थर्ड जेंडर इन सभी के लिए 550 रुपए का शुल्क जो है वो तय किया गया है, वो भी यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। साथ ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर इनके पदों पर 596 पदों पर शिक्षक भर्ती होनी है, उसकी बात की गई है। अगली न्यूज है RO/RO के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक, प्रयागराज से न्यूज है। इसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर सहायक भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है, उसी की बात की गई है। अगली न्यूज है 2 साल बाद परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं को लेखन में आई दिक्कत। यहाँ पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाएं बृहस्पतिवार से जो है वो शुरू हो गई हैं, उसी की बात जो है वो की गई है। अगली न्यूज है आपकी LT ग्रेड से रिलेटेड कि नए अध्याचन में शामिल नहीं पुरानी भर्ती के हजारों पद। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत कई विषयों में खाली रह गए पद, अभ्यर्थियों की मांग है कि नए पदों को जोड़कर जारी जो है वो किया जाए नया विज्ञापन। अगली उनसे RO/RO परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट की जो है वो रोक, कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तय की है 25 अप्रैल की जो है वो तिथि। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। स्टाफ नर्स भर्ती को जो है वो चुनौती, मांगा जवाब, वो भी यहाँ पर बताया गया। अगली उनसे नीट के लिए 7 मई तक जो है वो आवेदन जो है वो करें। अगली उनसे प्रैक्टिकल के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, छात्रों ने जो है वो धरना दिया। SDM और CO के आश्वासन पर दिया गया धरना समाप्त। विद्यालय प्रबंधन से प्रैक्टिकल जो है वो कराया, उसी की बात यहाँ पर जो है वो की गई है। अगली न्यूज है राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार जो है उनकी भर्ती जो है वो होगी। कई वर्षों से लेखपाल और संग्रह व भूमि अध्यापित अमीन राजस्व निरीक्षक, इनकी पदोन्नति का जो है वो इंतजार है। टोटल 3,502 पदों पर भर्ती का आसार है। लखनऊ से जो है वो न्यूज है, इसमें बताया गया है इन सभी भर्ती के संदर्भ में। अगली न्यूज है CUT पंजीकरण महंगा, अब 650 रुपए शुल्क देखने को मिलेगा, जो कि हमने ऊपर भी जो है वो बात की। अंबेडकर विश्वविद्यालय में भी CUT से ही दाखिला होगा। अगले उनसे स्टाफ नर्स और सिस्टर भर्ती पर जवाब तलब, यहाँ पर ऊपर हम जो न्यूज बात की थी उसी की बात जो है वो की गई है। प्रयागराज से न्यूज है। अगली न्यूज है कल 3700 परीक्षार्थी देंगे PhD की प्रवेश परीक्षा, आगरा से जो है वो न्यूज है। अगली न्यूज है काशी विद्यापीठ में स्नातक की परीक्षाएं 21 अप्रैल से जो है वो देखने को मिलेंगी, वाराणसी से जो है वो न्यूज है। अगली न्यूज है आपकी कि नए सत्र में अभिभावक जो है उन पर पढ़ रहे हैं महंगी किताबों की मार। यहाँ पर वर्ष वार किताबों की जो कीमतें हैं उनकी बात की गई है कि पहले 2021 में नर्सरी की किताबें 1000 हुआ करती थी, जो अब 1200 हो गई हैं। इसी प्रकार LKG की 1200 से 1500, इसी प्रकार अलग अलग यहाँ पर जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनकी बात जो है वो की गई है।
और ये न्यूज आपकी संभल से जो है वो प्रकाशित हुई है। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे अच्छा विषय उठाया गया है न्यूज पेपर में, क्योंकि जो शिक्षा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसको महंगा किया जा रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हालांकि मुद्रास्फीति और समय के साथ चीजें महंगाई बढ़ती हैं, तो ये सारी चीजें होना स्वाभाविक होती हैं, फिर भी ध्यान देना चाहिए। अगली न्यूज है, फिलहाल पुराने पाठ्यक्रम से ही होगी बीएड की पढ़ाई। यहाँ पर बरेली से न्यूज है, रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में कोई बदलाव जो है वो नहीं करेगा, उसकी बात यहाँ पर की गई है। और बीएड प्रवेश परीक्षा में ना रहे पुरानी खामियां, उसकी बात भी की गई। अगली न्यूज है, परिषदीय विद्यालय सुबह 7 बजे से खुलेगा। इसका जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आया था, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया था, तो जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों, सभी अपडेट पाते रहने के लिए यहाँ से जुड़ जाइएगा। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जो है वो जुड़ सकते हैं, और आंसर की वगैरह जो भी आई थी वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दी थी। यहाँ पर क्या बताया गया है कि दीपक चतुर्वेदी ने बृहस्पतिवार को परिषदीय विद्यालय जो है खुलने के समय में परिवर्तन किया है, संभल से जो है वो न्यूज है। और यहाँ पर जो समय है वो आपका बुधवार तक सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलने का समय तय था, जिसे आप जो है वो यहाँ पर बदलकर शुक्रवार से सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक जो है वो कर दिया गया है। अगली न्यूज है आपकी, देश में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य जो है वो बना यूपी। लास्ट की सब करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज है, जिसमें 59 जो जनपद हैं उनमें खुल चुके हैं मेडिकल कॉलेज, उसी की बात यहाँ पर की गई है। तो ये आप नाम ध्यान रखिएगा, यूपी जो है इसमें सबसे ज्यादा नंबर वन पे जो है वो आ गया है। सेकेंड लास्ट न्यूज है इस वीडियो की कि रूस मानवाधिकार परिषद जो है उससे बाहर, भारत ने फिर से जो है वो वोट नहीं डाला है। 93 देश रूस के खिलाफ हैं और 24 जो है इसके पक्ष में हैं। 24 फरवरी को यूक्रेन हमले के बाद से रूस के खिलाफ यूएनजीए में ये तीसरा प्रस्ताव है, और पिछले 2 प्रस्ताव 141 व 140 वोटों से जो है वो पारित हुए थे, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि अवार्ड जीतना अद्भुत अनुभव, फाल्गुनी जो है भारतीय अमेरिकी संगीतकार फाल्गुनी शाह जो है उन्होंने ग्रैमी अवार्ड इस बार का जीता है, भारत का नाम रोशन किया है, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। हालांकि इससे पहले जब ये न्यूज आई थी तो हमने आपको बताया भी था, टेलीग्राम पर भी अपडेट दिया था, साथ ही साथ इसमें भी लिखा है कि हालिया साक्षात्कार में भारतीय सिंगर एआर रहमान का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि ग्रैमी अवार्ड जीतना उनके लिए अद्भुत अनुभव जो है वो रहा है और उसको ये बयान नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।